नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक देख लेते थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना है रूट अंडर एक्स माइनस क्यू रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 अपॉन क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू द पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे। आप लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये हो गया रूट अंडर एक्स माइनस क्यूब रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस 7 अपॉन में यह क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स है तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे एक्स का पावर 1 बाई 2 विथ डी एक्स। रूट एक्स को आप कितना लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे भी यहाँ समझ सकते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, इसको यहाँ से रेडिकल हटाएंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ से इस रेडिकल को यहाँ से हटाएंगे तो एक्स का पावर 4 हो गया और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3 फिर प्लस ये हो जाएगा 7/ में यहाँ से रेडिकल हटाइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा ये 1/3, ये 3 यहाँ से हटेगा इससे क्या हो जाएगा ये पावर आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर माइनस ये हो जाएगा 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और ये विथ डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए पावर डिनोमिनेटर में जो है उसको हम क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 3 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन में, देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर उसके बाद पावर पर शिफ्ट करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस ये 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस पावर को हम लोग क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को आई इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 यहाँ डी एक्स नहीं और डी एक्स एक ही बार में यहाँ पर रखे हैं अभी, फिर इसको हम लोग अलग अलग शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों डी एक्स नहीं होगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू इस पावर को ऊपर शिफ्ट करें तो एक्स का पावर माइनस 2/3 माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे सारे टर्म के साथ में डीएक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ लगा देंगे, तो हो जाएगा आई इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म है एक्स का पावर 1/2 विथ डीएक्स माइनस, सेकेंड टर्म है एक्स का पावर 4/3 विथ डीएक्स प्लस 7 इंटीग्रेशन यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू में कितना एक्स का पावर माइनस 2/3 विथ डीएक्स माइनस ये हो जाएगा 6 ई टू दी पावर एक्स विथ डीएक्स और ये प्लस 1 विथ डी एक्स। सारे टर्म के साथ हमने क्या किया यहाँ पे डी एक्स लगा दिया इंटीग्रेशन के साथ में। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स माइनस यहाँ भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो एक्स का पावर 4/3 विथ डी एक्स प्लस यहाँ 7 कॉन्स्टेंट है 7 को यहाँ बाहर कर लीजिए ये हो जाए एक्स का पावर माइनस 2/3 विथ डी एक्स माइनस इस यहाँ से कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स विथ डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए ये हो जाएगा डी एक्स। आगे देखिए ये आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का पावर यहाँ पे क्या है नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 होता है और प्लस सी होता है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे सी लगाएंगे सी फॉर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एन ये क्या है एन है, इसका रिजल्ट क्या हो जाए एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 एक्स का पावर एन कितना है 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स का पावर ये एन है रिजल्ट हो जाए एक्स का पावर एन प्लस 1 यानी कि 4/3 प्लस 1 डिनोमीटर में 4/3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 7 इंटू यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है एक्स का पावर एन माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन में
माइनस टू बाई थ्री प्लस वन। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे माइनस सिक्स ई टू दी पावर एक्स है, तो यहाँ स्पेस में तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं ये माइनस सिक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स विद डीएक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, याद रखिएगा सारा फॉर्मूला आप लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स विद डीएक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है, प्लस प्लस इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे और सारे टर्म है लास्ट में इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं, प्लस ये वन इंटू डी, देखिए वन एज इट इज है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स होता है, ये हो जाएगा एक्स और लास्ट में सारा टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। आगे देखिए कि आई इक्वल टू हो जाए एक्स का पावर, देखिए यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये वन अपॉइंट टू प्लस वन, तो वन अपॉइंट टू में वन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू अपॉन में थ्री अपॉइंट टू माइनस, ये हो जाएगा एक्स का पावर, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन अपॉइंट थ्री अपॉन में सेवन अपॉइंट थ्री। आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी अगला स्टेप बढ़ा सकते हैं या इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स का पावर ये फोर प्लस थ्री कितना सेवन अपॉइंट थ्री, फिर यहाँ पे देखिए प्लस सेवन इंटू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर देखिए माइनस टू और ये प्लस थ्री, तो माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा वन अपॉइंट टू अपॉन में वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा माइनस ये सिक्स ई टू दी पावर एक्स और ये प्लस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। आगे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि आई इक्वल टू देखिए ये थ्री अपॉइंट टू रेसिप्रोकल होगा, ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा टू अपॉइंट थ्री और ये हो जाएगा एक्स का पावर थ्री अपॉइंट टू माइनस, देखिए सेवन अपॉइंट थ्री रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री अपॉइंट सेवन एक्स का पावर सेवन अपॉइंट थ्री प्लस, देखिए वन अपॉइंट टू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू और ये इंटू सेवन ये हो जाएगा फोर्टीन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाई में थ्री था, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिए, बाई में कितना है थ्री है, यहाँ पे हो जाएगा थ्री और यहाँ भी हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वन अपॉइंट थ्री रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा थ्री, थ्री इंटू सेवन हो जाएगा ट्वेंटी वन यहाँ पे हो जाएगा और ये एक्स का पावर कितना वन अपॉइंट थ्री ये माइनस सिक्स ई टू दी पावर एक्स और ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर मिला लीजिए देखिए टू अपॉइंट थ्री एक्स का पावर थ्री अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट सेवन एक्स का पावर थ्री अपॉइंट एक्स का पावर सेवन अपॉइंट थ्री प्लस ट्वेंटी वन एक्स टू दी पावर वन अपॉइंट थ्री माइनस सिक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थ्री का थर्ड पार्ट का, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या था देखिए यहाँ पे क्या था इसको हम एलसीएम लिए थे ना, यहाँ पे तो माइनस टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री कितना वन अपॉइंट थ्री हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉइंट थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री हो जाएगा, तो वन अपॉइंट थ्री जैसे प्रोकल हो जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए इसका फोर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर थ्री यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, आई इक्वल टू लेट आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर थ्री विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको ए लेट करते हैं इसको बी लेट करते हैं बीच में साइन माइनस का है और यहाँ पे पावर थ्री, तो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, दोस्तों हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और इंटू में ए माइनस बी होता है, लगाइए यहाँ पे आइडेंटिटी कि आई इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए का क्यूब, ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी कितना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसका पावर क्यूब माइनस थ्री इंटू ए, ए का जगह एक्स स्क्वायर इंटू बी का जगह कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ए माइनस विथ डी एक्स। आगे देखिए यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है एक्स का पावर सिक्स हो जाएगा माइनस ये वन का क्यूब करें तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का क्यूब करें तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स का पावर सिक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पे एक्स हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो थ्री से इसको मल्टीप्लाई, देखिए ये हो जाएगा माइनस थ्री और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स का पावर सिक्स माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए पावर डिनोमिनेटर में उसको हम क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर सिक्स माइनस ये वन अपॉन एक्स का पावर सिक्स है तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर माइनस टू विथ डी एक्स। अब हम क्या करें सारे टर्म के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे विथ डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा देखिए फर्स्ट टर्म एक्स का पावर सिक्स विथ डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म एक्स का पावर माइनस सिक्स विथ डी एक्स थर्ड टर्म ये माइनस और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स फिर यहाँ पे फोर्थ टर्म हो जाएगा प्लस थ्री एक्स का पावर माइनस टू इंटीग्रेशन का साइन विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू एक्स का पावर सिक्स विथ डी एक्स माइनस एक्स का पावर माइनस सिक्स विथ डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए तो माइनस थ्री बाहर हो गया यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स प्लस थ्री यहाँ से बाहर ले लीजिए एक्स का पावर माइनस टू विथ डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू देखिए एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है इसका रिजल्ट हो जाए एक्स का पावर एन प्लस वन एन कितना है सिक्स तो सिक्स प्लस वन कितना आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या डेट भी लिख सकते हैं इसका पावर सेवन अपॉन में सेवन माइनस थ्री माइनस यहाँ पे एक्स का पावर माइनस सिक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर ये माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन में माइनस सिक्स प्लस वन ये माइनस थ्री इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन ये प्लस थ्री इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन एन एन कितना माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन और सारे टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए लास्ट में यहाँ पे सी लगा देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स का पावर सेवन अपॉन में सेवन ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर देखिए वन में सिक्स जाए तो जाएगा माइनस फाइव अपॉन में माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री अपॉन में थ्री हो जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स का पावर वन टू जाए तो जाएगा माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस सी। इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन में सेवन ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये एक्स टू दी पावर माइनस फाइव अपॉन में फाइव ये हो जाएगा माइनस ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन प्लस सी। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन में सेवन प्लस आप इस वैसे लिख सकते हैं वन अपॉन फाइव इंटू यानी कि यहाँ पे वन तो जो वन अपॉन फाइव इंटू यहाँ एक्स का पावर माइनस फाइव है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे पावर को ये वन अपॉन एक्स थ्री पावर फाइव हो जाएगा ये माइनस एक्स क्यू ये माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस सी। आगे देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स थ्री पावर सेवन अपॉन में सेवन ये हो जाएगा प्लस ये वन अपॉन में फाइव एक्स टू दी पावर फाइव ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन में एक्स प्लस सी। तो ये दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग कह रहे हैं रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स विथ डी एक्स। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स विथ डी एक्स। आगे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ से रूट एक्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं एक्स का पावर वन अपॉन टू विथ डी एक्स। आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में पावर को क्या करें ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा आई इक्वल टू एक्स का पावर वन बाई टू माइनस
इसमें ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x का पावर हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू विथ डी एक्स। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ dx क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करें, आप पहले यहाँ पे इसको अलग अलग दोनों टर्म को सेपरेट कर लेंगे, ये x का पावर वन अपॉन टू विथ dx माइनस ये x का पावर माइनस वन अपॉन टू विथ dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए i इक्वल टू x टू दी पावर n, इसका रिजल्ट हो जाएगा x का पावर n यानी कि वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन में n प्लस वन माइनस, यहाँ भी x का पावर n प्लस वन, एन जगह पर है माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन हो चुका है, इस लास्ट में यहाँ पे सी लगा दिए। आगे देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा x का पावर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा 3 अपॉन टू अपॉन में ये हो जाएगा 3 अपॉन टू माइनस x का पावर ये माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू अपॉन में 1 अपॉन टू प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे i इक्वल टू देखिए 3 अपॉन टू ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है 2 अपॉन 3 x का पावर 3 अपॉन टू माइनस 1 अपॉन टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 तो x का पावर 1 अपॉन टू प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अगर दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आया तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।